शिवराज का दावा, मोहन यादव को नहीं जनता ने मुझे चुना सीएम, बैकफुट पर मोदी शाह, मंच से किया ऐलान, मैं इलेक्टेड पूर्व सीएम था, रिजेक्टेड नहीं। बीजेपी हाईकमान ने इलेक्टेड सीएम को रिजेक्टेड सीएम बना दिया। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी हाईकमान को सीधे चुनौती दे दी है। उन्होंने संकेतों में हाईकमान तक मैसेज दे दिया है कि जनता ने मोहन यादव को नहीं बल्कि सीएम पद के लिए उन्हें चुना था, लेकिन हाईकमान ने सीएम की कुर्सी किसी और को सौंपकर जनता के साथ धोखा किया। जनता ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन हाईकमान ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलवाई। देश में मोदी राज आने के बाद अगर गुजरात का चुनाव छोड़ दिया जाए तो बीजेपी की यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी पार्टी ने शिवराज की जगह मोहन यादव को सीएम पद सौंप दिया। ऐसे में शिवराज ने एक बार फिर हाईकमान को सवालों में ले लिया है। शिवराज के बयान से मोदी, नड्डा, शाह सभी के होश उड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये भी साफ है कि शिवराज जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जनता ने वोट शिवराज के चेहरे और उनकी योजनाओं को लेकर दिया था, तभी पहली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 49% के करीब पहुंच गया। तभी तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के इतिहास में बीजेपी कभी भी 45% से ऊपर नहीं पहुंची, 2013 में भी नहीं, जब मोदी लहर देश में चल रही थी। ऐसे में साफ है वोट शिवराज के नाम पर मिला, लेकिन उन्हें रिजेक्टेड सीएम बना दिया गया। सिर्फ सीएम पद ही नहीं छीना, बल्कि शिवराज को प्रदेश की राजनीति से भी बाहर कर दिया गया है। उन्हें कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। पुणे में हुए एक कार्यक्रम में बोलते हुए एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विधानसभा चुनाव में कई चुनावी विश्लेषज्ञों ने कहा था कि मध्य प्रदेश में भाजपा नहीं जीतेगी। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि क्लीन स्वीप करेंगे। मैंने तय किया कि किसी भी कीमत पर मैं पार्टी को जिताऊंगा। कोई ताकत मुझे जीतने से नहीं रोक सकती है। एक संकल्प पैदा हुआ और उसके अनुरूप काम किया, और जब परिणाम आए तब कांग्रेस ने नहीं भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। सबसे ज्यादा वोट आए और सबसे शानदार सीटें आई। मुझे कहा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। अपन छोड़कर भी आए तो ऐसे आए कि हर जगह जनता का स्नेह और प्यार मिलता है, लोग मामा मामा कहते हैं। यही अपनी असली दौलत है। छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा। मेरी राजनीति किसी पद के लिए नहीं, बड़े लक्ष्य के लिए है। बिना नाम लिए पार्टी हाईकमान पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा कि आजकल दूसरे तरह के नेता भी हैं जो पॉलिटिक्स को ही कैरियर मान लेते हैं। उन्हें लगता है यही कैरियर है। दूसरी ओर युवाओं को लेकर शिवराज ने कहा कि राजनीति चुनौती का काम है। लोग अच्छे कपड़े पहनकर कुर्ता पजामा और राजनीति करने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आना चाहिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कई बार लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे राजनीति में आकर, ये तो बेकार काम है, लेकिन ये मानसिकता सभी के लिए ठीक नहीं है। क्या राजनीति में धन का प्रभाव खत्म करने के लिए तुम काम नहीं करोगे? क्या राजनीति केवल अमीरों की तिजोरी से चलेगी? साफ है शिवराज को हाईकमान ने भले ही एमपी से दूर किया हो, लेकिन पुणे हो या हैदराबाद, शिवराज जहां भी जा रहे हैं अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं और उनके बयान हाईकमान को चुनौती दे रहे हैं। शिवराज समर्थकों का भी पहला सवाल यही है कि आखिर उन्हें सीएम पद से क्यों हटाया गया? वो एमपी में सबसे लोकप्रिय नेता है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने शानदार काम किया है और शानदार जीत भी हासिल की है। सीएम नहीं है फिर भी वो जहां जाते हैं हुजूम जुट जाता है। ऐसे में पार्टी का शिवराज को सीएम पद से हटाने का फैसला किसी के समझ में नहीं आ रहा है, और साथ ही शिवराज को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी रही है मोहन यादव भी कमलनाथ से तो सलाह ले रहे हैं, लेकिन शिवराज के पास भी वो सलाह के लिए नहीं जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।